जिंदगी में कठिनाइयों से मत भागो, यहाँ हर कदम पर इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लेकिन लड़ने वालों के लिए कदमों में सारा जहान होता है। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ इमेज में देख ही रहे होंगे, इसमें आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग होशियार ही है ही हैं। ये सीबीएसई बोर्ड क्लास टेंथ सोशल साइंस सिलेबस अकॉर्डिंग टू 2020-2021 यानी 2020-21 के लिए, जो आपका 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है, ये सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ये प्रमाणित है और उन्हीं के सिलेबस से हम कवर किए हैं, और आपका उसी के सिलेबस के अनुसार आज जो हम बताने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, ज्योग्राफी का है, और हम जितनी भी चीज़ पढ़ेंगे इसको मैप में देखेंगे। क्या जितने भी चीज़ देखेंगे उसको, सारे चीज़ को समझेंगे मैप के द्वारा, इसलिए आप इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिए, अच्छे से देखिए, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि आप जितने भी चीज़ पढ़ते हैं उसको रटते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें समझने की ज़रूरत है और अपने मैप माइंड में एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग के पास एटलस है तो आप लोग और बहुत बेहतरीन है, एटलस नहीं भी है तो हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए मेरे साथ पढ़िए और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग जो चैप्टर इसमें जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये आप लोग पढ़ना है आप लोग को, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ये कहाँ कहाँ पर है और उसको देखना है, जैसे मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, मदुरे, आपको एक मैप दे देगा, कहेगा कि इसको दिखाइए, सो द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैप, आप इस सब को हम लोग मैप में देखेंगे किस किस जगह पर इसका लोकेशन है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देखें अहमदाबाद था, ये गुजरात में पड़ता है, सूरत भी गुजरात में पड़ता है, ये जगह है, मुंबई था, मुंबई भी आपका दिख रहा है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, तो ये सब था आपका, कानपुर ख़त्म हो गया, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, इंदौर हो गया, मुंबई हो गया, अब क्या बचा है, कोयम्बटूर और मदुरे, तो कोयम्बटूर और मदुरे दोनों का दोनों तमिलनाडु में है, आप इसको यहाँ पर मैप में देख के याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी दिया है, ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था जो रेड में था, इम्पोर्टेंट था जो दे दिया, अब ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, आयरन एंड स्टील का कंपनी है, तो ये सब को भी आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, नहीं तो इसका अगला जो चैप्टर है, अगला जो समझना है उसको मैप में वही से समझना है। एक बार और देख लेते हैं, कानपुर जो आपका है उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर देख सकते हैं, अहमदाबाद और सूरत दोनों के दोनों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, दोनों का दोनों अहमदाबाद में है, गुजरात में है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल ये सिटी है इंडिया का, मुंबई ये महाराष्ट्र में है, और ये समुद्र के किनारे अरेबियन सी के किनारे हैं, और 9 ऐसे स्टेट हैं जो कि कोस्टल एरिया से सटे हुए हैं, यहाँ से लेके गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक, उसके बाद कोयम्बटूर और मदुरई दोनों का दोनों तमिलनाडु में है, आप इसको अच्छे से याद कर लें, 2, 3, 5, 2, 7 अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा है आपका आयरन एंड स्टील प्लांट्स, अब आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है आप उसको देखकर मैप पे देखकर याद करेंगे। यहाँ देखिए आयरन एंड स्टील प्लांट का आपका इंडस्ट्री जो है इंडिया में कहाँ कहाँ है, रत्नागिरी, आप यहाँ देखिए रत्नागिरी आपका है यहाँ पर महाराष्ट्र में, इसके बाद यहाँ पर है न्यू मंगलोर, यहीं पर एक है आपका बर्धावती, तीसरा सालेम, विजयनगर ये कर्नाटक में है, उसके बाद सालेम जो है आपका तमिलनाडु में है, विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद राउरकेला, ये आपका राउरकेला जो है आप ये सब देख सकते हैं, ये बॉर्डर के नज़दीक है, यानी ये आपका उड़ीसा और यहाँ पर हो गया आपका झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, जमशेदपुर झारखंड में है, बोकारो झारखंड में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है, आप देखिए इसमें आपको क्या क्या पूछा गया था, वर्णपुर, दुर्गापुर,
बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, विजयनगर, तो आप सब इसमें देख चुके हैं। विजयनगर आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम विजयनगर कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, सालेम तमिलनाडु में है, उसके बाद भिलाई छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद राउरकेला आपका हो गया उड़ीसा में है, जमशेदपुर आपका हो गया झारखंड में, बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, तो ये सब आप इसको देखकर याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका थर्ड नंबर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ कहाँ है उसको देखेंगे, जैसे मोहाली, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, मुंबई, पुणे, कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद। अब ये सब को हम लोग मैप में देखेंगे अच्छे से। उसके बाद बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, अब वर्धावती, उसके बाद है आपका विशाखापट्टनम, सालेम, ये सब को आप मैप में देखिए। सबसे पहले यहाँ श्रीनगर में भी है, मोहाली है यहाँ पर आपका पंजाब में, उसके बाद यहाँ पर शिमला है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, जयपुर है, यहाँ पर भी है, गांधीनगर जो आपका गुजरात में है, मुंबई नवी मुंबई के नाम से जानते हैं, ये भी आपका सॉफ्टवेयर पार्क है, पुणे, कोल्हापुर, ये भी है आपका कोल्हापुर भी मुंबई में ही महाराष्ट्र में है, हुबली कर्नाटक में है, और आपको क्या क्या पूछा गया था वो सब देखे, त्रिवेणी, मदुरै, मदुरै पूछा गया था देख ले, उसके बाद चेन्नई यहाँ पर, यहाँ तिरुपति है, यहाँ पर हैदराबाद है, हैदराबाद आपका पता होना चाहिए, ये आपका आंध्र प्रदेश में, तिरुपति भी आंध्र प्रदेश में है, और नोएडा पूछा गया था आपका, नोएडा है आपका उत्तर प्रदेश में, उसके बाद और देखते हैं क्या क्या पूछा गया, सालेम तो आपको बताए थे, सालेम यहाँ पर था तमिलनाडु में, आप दूसरे मैप में देख लें सालेम कहाँ है, यहाँ पर है देख सकते हैं, उसके बाद हैदराबाद पूछा गया था, बेंगलोर पूछा गया था, दो हैदराबाद यहाँ पर है, बेंगलोर भी यहीं पर है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बेंगलोर में है, हुबली यहाँ पर है, यहाँ पर बेंगलोर है, देखिए यहाँ पर बेंगलोर के पास है हुबली, मैंगलोर, मणिपाल, मैसूर, ये सब जो है बेंगलोर के पास है, हैदराबाद के पास है, विजयवाड़ा, वाइजैक, वाइजैक यहाँ पर बहुत बार पिक्चर उक्चर में सुनते हैं वाइजैक गया, वाइजैक जो है आपका ये आंध्र प्रदेश में ही है, और वारंगल जो यहाँ पर है, वारंगल आप सुने होंगे हिस्ट्री में, वारंगल शासक वहाँ पर ऐसा कुछ वो हिस्ट्री का है, तिरुपति ये भी आपका आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, नवी मुंबई देख चुके हैं आप, गुवाहाटी, गुवाहाटी आपका आ जाइए तुरंत कहाँ पर, असम में, तो असम कहाँ है, यहाँ है, तो गुवाहाटी, गुवाहाटी में इम्फाल और गैंगटॉक मिलेगा, यहाँ पर सिक्किम के पास गैंगटॉक है और यहीं पर इम्फाल है, ये सब सॉफ्टवेयर पार्क है, उसके बाद है यहाँ पर आपका तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम तुरंत आ जाइए यहाँ पर केरल के पास तिरुवनंतपुरम, उसके बाद गांधीनगर आप देख चुके हैं, कोलकाता देख चुके हैं, कोलकाता यहाँ वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, दुर्गापुर यहीं पर है, ठीक है, उड़ीसा में है, उसके बाद यहाँ पर कारगापुर भी है, यहाँ पर खड़गपुर, कारगापुर नहीं खड़गपुर है, खड़गपुर भी आपका यहीं पर है कोलकाता के पास, उसके बाद भुवनेश्वर जो है ये आप देखे होंगे उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, यहाँ पर यहीं पर राउरकेला है, और रांची जो है ये आपका है झारखंड की कैपिटल, यहाँ ये भी सॉफ्टवेयर पार्क है, उसके बाद चेन्नई, चेन्नई जो है आपका तमिलनाडु की कैपिटल है, चेन्नई आ जाइए, चेन्नई, चेन्नई में कोयम्बटूर देखिए, कोयम्बटूर आपको मिल जाएगा यहीं पर, यहाँ पर ये जो है ये कोयम्बटूर जो है आपका इसमें यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर पांडिचेरी, पांडिचेरी यहाँ पर है पुदुचेरी की कैपिटल, आप पुदुचेरी ही है, ये ओल्डेस्ट नेम पांडिचेरी था, उसके बाद आप त्रिवेणी देख लिए हैं, उसके बाद ट्रिची देख लिए हैं, उसके बाद पुणे नासिक, यानी ये आ जाइए यहाँ पर पुणे नासिक, यहाँ पर ये है आपका महाराष्ट्र में नासिक यहाँ पर है, अब उसके बाद देख लीजिए कोल्हापुर आपको यहीं मिल जाएगा, नागपुर यहीं मिल जाएगा, औरंगाबाद यहीं मिल जाएगा, ये सब जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है,
कानपुर और नोएडा ये दोनों का, और लखनऊ और इलाहाबाद ये सब जो पड़ता है चारों, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आप इस तरीके से इस सभी को याद कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आप जब तक इसको याद नहीं करेंगे, मैप में देखेंगे नहीं लोकेशन, तब तक आपको अच्छे से याद नहीं होगा। ये जो आपका यहाँ पर दिया है, जो दिया है बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का है, जितने भी है सारा का सारा दिया है। और आपका जो इसमें पूछा गया था, लगभग 10-12 पूछा गया था, आप इसमें अच्छे से देखकर समझ सकते हैं, उसका लोकेशन याद कर लीजिए। आपको एग्ज़ाम में ऐसे करके एक मैप दे दिया जाएगा, उसके बाद कहेगा कि कुछ लोकेशन दे दिया जाएगा, उसको दिखाइए, तो आपको ऐसे ही बिंदा करके, मतलब ऐसे लोकेट करके दिखाना होगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका आ रहा है, इसमें देख लीजिए, इसमें भी कुछ कुछ दिया हुआ है। हैदराबाद अलग दिया है, मैसूर, बेंगलुरु, चेन्नई, भुवनेश्वर, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, गांधीनगर, जयपुर, नोएडा, मोहाली आपको बताए थे पंजाब में है, श्रीनगर, ये तो अभी तो इसका पार्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया है, जम्मू कश्मीर छोटा हो गया, और लद्दाख बहुत बड़ा बन एरिया है। और लद्दाख जो अभी पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि लद्दाख पूरा एरिया में इंडिया का सबसे बड़ा यूनियन टेरेटरीज है। आप इसको भी देख लें, ये भी सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, इसको दिया हुआ है, और मैप भी दिया है कहाँ पर क्या स्टेट है, सबसे पहले कहाँ पर कौन सा स्टेट है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब लोकेटिंग एंड लेबलिंग मेजर पार्ट्स, अब लोकेट करना है कुछ मेजर पार्ट्स जो इंडिया का है, जैसे कि आपको कुछ पोर्ट दिया है, मेजर पोर्ट्स, लोकेटिंग एंड लेबलिंग मेजर पोर्ट्स। पोर्ट्स मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पर कि बहुत बड़े बड़े शिप जहाज वगैरह आते हैं, और वहाँ से फिर दूसरे जगह के लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आपका कांडला है, ये गुजरात में है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू है, मारमा गोवा है, न्यू मैंगलोर है, कोची है, तूतीकोरिन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, हल्दिया है, कोलकाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आपको हमको आपको समझाते हैं मैप के द्वारा। चलिए ये आ गया आपका मैप, सबसे पहले कांडला जो था ये गुजरात में था, बहुत इम्पोर्टेंट है, मुंबई महाराष्ट्र में, आप यहाँ देख लें। मारवा गोवा पोर्ट जो है आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है आपका गोवा में है, यहाँ छोटा सा दिख रहे होंगे, गोवा में है मारवा गोवा पोर्ट। पूछ सकता है वेयर इज लोकेटेड मारवा गोवा पोर्ट, गोवा। उसके बाद मंगलुरु है, ये आपका कर्नाटक में है, चाहे मंगलुरु पूछे या बेंगलुरु, दोनों का दोनों कर्नाटक में है। कोची केरला में है, यहाँ पर देखिए तूतीकोरिन जो है ये आपका यहाँ पर लोकेशन है, और ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दो है, चेन्नई के पास है, और एक है इंदौर, इसको कामराजगढ़ पोर्ट के नाम से जानते हैं, यानी आप इसको इंदौर पोर्ट कह सकते हैं। यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, ओडिशा में है पारादीप, और कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ये आपका कुछ इधर का हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच को हो गया इधर का वेस्ट में, और इस साइड में आप देख सकते हैं कि इधर आपका दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत आसानी से याद हो सकता है इस तरह से, तो आप इसको अच्छा से याद कर लें। अब मुंबई में ही जो इसको जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है, आप जो देखे होंगे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वही मुंबई में जो है, कांडला भी वहीं पर है, कांडला गुजरात में है, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू देख लिए, मारवा गोवा देख लिए आप, न्यू मैंगलोर भी देख लिए, कोची भी देख लिए, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता, आप इसको देख लिए होंगे। यहीं पर आपका एक हल्दिया है जो कोलकाता में है, पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, इंदौर और चेन्नई ये तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, कोची केरल में है, मैंगलुरु यानी न्यू मैंगलुरु कर्नाटक में है, मारवा गोवा गोवा में है, और मुंबई में मुंबई है, और मुंबई के पास है एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और एक कांडला गुजरात में है। तो आप इसको याद कर लें, आप इसका ये मैप भी देख लें अच्छे से, कौन स्टेट कहाँ पर भी है, इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा तब ना कौन सा स्टेट कहाँ पर है, आप उसको लोकेट कर पाइएगा। चलिए
और है कुछ है, इसमें देखते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अब इसको देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पूछा जा रहा है। अब ये कहाँ पर है इसमें देखेंगे हम लोग, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी जिससे कि विदेश एक देश से विदेश जाता होगा वहाँ से उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट करते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पटना, तो वहाँ पर से भी दूसरे देश जाता है। नेशनल एयरपोर्ट उसको कहते हैं जो कि अपना इंडिया भर में ही एक दूसरे स्टेट में जाता है, इंटरनेशनल से दूसरे कंट्री में जाया जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कहाँ पर कौन सा उसका लोकेशन देखेंगे। जैसे अमृतसर में है राजा सवाई, दिल्ली में है इंदिरा गांधी नेशनल, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में है छत्रपति शिवाजी, तिरुवनंतपुरम में है नदीम बेचेड़ी, उसके बाद चेन्नई में है नीनाम बाकम, कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद में है राजीव गांधी, चेन्नई में है मीनम बाकम। ऐसे याद करने के बाद आपको क्या होगा कि लगेगा रट रहे हैं, समझ में आ ही नहीं रहा है। तो इसको रटना नहीं है, सिर्फ मैप में देख के समझ रहा है। नोट आइटम्स ऑफ लेवलिंग एम मे ऑल्सो बी गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये जो है आपको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दिया गया है, कहाँ पर क्या है उसको दिखाना है मैप में। तो आइए आपको हम दिखाते हैं और समझाते हैं। आपको यहाँ पर है इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली में है, आप देख लिए हैं। उसके बाद आपको और आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जो एयरपोर्ट है, ये आपका यहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, आपका ये यूपी में है, चौधरी चरण सिंह ये भी यूपी में ही है। अब आपको और क्या पूछा था, छत्रपति शिवाजी ये आपका है महाराष्ट्र में। अब उसके बाद आइए और आपको जो पूछा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ये जो इंटरनेशनल जयप्रकाश नारायण, ये आपका पटना में है, बिहार में है। लोकनायक गोपीनाथ बारडोल, ये आपका जो है ये आपका असम में है। और आपको क्या क्या पूछा गया था वो देख लीजिए, चेन्नई में मीनाम बाकम। अब चेन्नई में यहाँ पर है, यहीं पर है मीनाम बाकम एयरपोर्ट, जब आप देख रहे हैं एयरपोर्ट का सिंबल यहीं पर है। उसके बाद यहाँ पर हैदराबाद में राजीव गांधी, हैदराबाद के पास आइए, यहीं पर आपका हैदराबाद है और यहीं पर है आपका राजीव गांधी, ठीक है। यहाँ पर आपका डॉक्टर भीम बाबा साहब अम्बेडकर है, ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपका गुजरात में है, आप इसको याद रखें। उसके बाद यहाँ चंडीगढ़ में है श्री गुरु राम जी दास जी, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप इसको देख लिए अच्छे से। उसके बाद चेन्नई में भी देख लिए, कोलकाता भी देख लिए, तिरुवनंतपुरम निमाम बिछेड़ी, तिरुवनंतपुरम यहाँ पर है, त्रिवेंद्रम यहीं पर है निमाम बिछेड़ी, ठीक है। उसके बाद है दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी वाला देख लिए, अमृतसर में राजा सवाई, यानी ये भी आपका है अमृतसर, अमृतसर पंजाब में है, यहीं पर है राजा सवाई और यहीं पर है आपका गुरु राम जी दास जी। तो आप इसको अच्छे से देख लिए, समझ लिए, आपको सब स्टेट दिखा दिए हैं, हम यहाँ पर दिखा दिए हैं आपका असम में है लोकपाल गोपीनाथ बारवाडोल, अब दूसरे बिहार में है पटना में जयप्रकाश नारायण, यहाँ यूपी में दो है लाल बहादुर शास्त्री, ये वाराणसी में है, और चौधरी चरण सिंह ये देख लिए। न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चंडीगढ़ में जो है आपका श्री गुरु राम जी दास जी है, और यहीं पर आपका यहाँ पर है पंजाब में यानी अमृतसर में एक है राजा सवाई, ठीक है। स्पेलिंग उसका जो भी लिखा हो सवाई ही पढ़ा जाता है। उसके बाद गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराष्ट्र में दो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद आप आइए यहाँ पर आपको मिलेगा त्रिवेंद्रम में निमाम बचेड़ी, उसके बाद चेन्नई में भी है। तो आप इसको अच्छे से मैप में देखकर अच्छे से समझिए और अच्छे से इसका लोकेशन लोकेट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब उसके बाद आपके लिए हिस्ट्री में जो बहुत सारे प्रमुख घटना घटी थी, कहाँ पर कौन सा आंदोलन हुआ, कौन सा मूवमेंट हुआ, कहाँ पर
कौन सा मतलब आंदोलन चला, मूवमेंट चला, वो सबको हम आपका एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें दिखाएंगे और उसमें अच्छे से आपको समझाएंगे। ये आज के लिए इतना ही है, अच्छे से इसको वीडियो को समझे और देखें, और आप के पास अगर एटलस है तो आप उसको भी अच्छे से एटलस मैप में देखें, ताकि आपका माइंड में ही मैप बन जाए। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए, और आपको ये कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको फीडबैक मिल सके और इसके आगे हम इसके ऊपर वीडियो बनाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस जो है ये यहाँ देख सकते हैं, आपका 2020 से 2021 में होने वाला है। जो बच्चों को लग रहा है कि सिलेबस चेंज हुआ है, फिर भी चेंजेस के सिलेबस के अनुसार ये दिया हुआ है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें और इसको अच्छे से देखें और इसको अच्छे से याद करें। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने आप ऊपर मेहनत कीजिए और आप अपने आप को एक अच्छे स्टूडेंट बनाइए और याद कीजिए, अच्छे से देखिए वीडियो को और समझिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और उसके बाद हम आगे का दूसरा वीडियो ज़रूर बनाएंगे, उसमें हिस्ट्री का जितना भी मोमेंट हुआ है इम्पोर्टेंट वो दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।